हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी 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 न्यू ईयर। रात के बज रहे हैं 12 और धमाका शुरू हो चुका है और आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये न्यू ईयर का मेरा सबसे पहला व्लॉग और आई एम वेरी वेरी हैप्पी और मेरा पेट खराब हो चुका है। हाँ, ठंड लग चुकी है, बार बार उठ के बाहर जा चुकी हूँ इस चक्कर में। ये रही मिलू, इसको रात को भी चैननी है, पैरों की मालिश करवानी है। कितने बजे हैं? रात के 12:15 हो चुके हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में, मतलब अब सुबह मिलूँगी। अभी नया दिन शुरू हो चुका है, नया साल शुरू हो चुका है और आप सभी को बहुत 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 मुबारक, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अकेले हूँ, बाकी घर वालों ने भी विशेस कर दिए हैं और बम पटाके इतने फूट चुके हैं 10-15 मिनट के अंदर, बहुत ज़्यादा हंगामा हो चुका। मिलू डर गई थी। हाँ, अब मैं भी जा रही हूँ सोने। ये तो है नहीं, ये तो एज यूजर है ड्यूटी पे। तो इसके बाद, इससे पहले एक व्लॉग और आएगा आपके पास, तो वो ज़रूर पूरा देखिएगा। तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे सुबह नए साल के पहले दिन में। अब मैं क्या क्या करने वाली हूँ और क्या करूँगी और शायद कुछ ना भी करूँ, कुछ पता नहीं होता। जो सोचती हूँ वो कभी नहीं होता। मेरा इस साल का रेजोल्यूशन है, जो मैं आप सबको बता रही हूँ कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना, आप सब लोगों के दिल में जगह बनाने का मेरा रेजोल्यूशन है कि इस साल में आप सबके दिलों में अपने लिए जगह ज़रूर 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 बना के रहूँगी। तो टिल देन थोड़ी देर में मिलते हैं पीपल। गुड मॉर्निंग और अगेन हैप्पी न्यू ईयर। सुबह हो चुकी है, सुबह से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, नींद इतनी अच्छी है रात को देर तक जगने के चक्कर में। और अब मैंने फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर दिया, फटाफट से बेडशीट चेंज करें और फिर अपने काम में लग जाएं। टाइम ही बताओ, 11:30 हो गए। यस, अभी तक उठी, अब उठी हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं भी छुट्टियों के पूरे पूरे मजे ले रही हूँ और क्या हो सकता है। चलिए अभी फटाफट काम करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो काम मेरा सारा हो चुका था, अब नीचे से आए हैं ब्रेड पकोड़े बनके। यस, यम्मी। अब मैं बनाने जा रही हूँ इसके साथ के लिए चाय। और आज मैंने डिसाइड किया है कि मिलू को लेके जाऊंगी थोड़ी सी लॉन्ग ट्रिप के लिए, जैसे मैं पहले ले गई थी घूमी करने। मिलू जाएगी घूमी करने। वाह, घूमी करने जाएगी मिलू है। मिलू को ऑटो में हम घुमा के लाएंगे भाई, लॉन्ग ड्राइव मिलू के ऑटो में होती है न्यू ईयर पे। और कपड़े नहीं पहन रखे हैं इसने, क्योंकि मैंने अभी उतारे, अभी इसकी ब्रशिंग वशिंग की है पूरी। चलो, ये तो करवाती रहेगी ऐसे मालिश। मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ, मेरे ऑटो वाले अंकल जी से ही बात हो गई, वो भी 1 घंटे में आ जाएंगे। तो फिर हम निकलेंगे सुर मिलू सुर लॉन्ग ड्राइव पे। यस, देखते हैं आज भी वहीं जाएंगे या कहीं और जाएंगे। और मैंने कुछ बच्चों से भी बात की है घर में कि आप लोग भी चलो मेरे साथ, तो देखते हैं अगर वो चलते हैं तो मज़ा आएगा। मैं भी फटाफट से रेडी हो जाऊँ, चेंज कर लूँ। ये कपड़ों में लास्ट टाइम भी गई थी, मैं नहीं जाऊँगी तो बिल्कुल भी दोबारा इन कपड़ों में, मैं न्यू कपड़ों में जाऊँगी। तो चेक इट आउट। हे गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मिलू का रेडी होना बाकी है। लेकिन अभी तक तो जिनके गाड़ी में जाना है वही नहीं आए, अभी उनका कॉल नहीं आया है। सूजल जा रहा है साथ में, बाकी बच्चों ने मना कर दिया क्योंकि सब ने नहाए और ठंड हो रही है, ठंड के अंदर कोई जाना नहीं चाहता, बाहर निकलना नहीं चाहता। लेकिन हम तो मिलू को लेके चलेंगे, मिलू को लेके चलेंगे।
शी इज़ हैप्पी, बट इसको अभी तक पता नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं। तो अभी मैं मिलती हूँ, जरा उनसे कंफर्म करती हूँ कि वो कहाँ तक पहुँची। टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है उनसे बात किए हुए, 2 घंटे उन्होंने टाइम मांगा था, 2 घंटे निकलने वाले हैं। तो पूछ लेते हैं आ रहे हैं या नहीं, क्यों हम वेट कर रहे हैं। और मैं कैसे लग रही हूँ प्लीज़ बताइएगा। मैं सोची हूँ ईयरिंग्स चेंज कर दूँ। ये सूट मैंने खुद बनाया है, कॉट सेट देखिए, और सही बना है। हाँ, मैं मिलू को लेके नहीं जाऊँगा, मैं अकेले के लिए जा रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, कल से मैं भी घर पे नहीं हूँ। यस, आई स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन माई लाइफ, फॉर माई लाइफ। तो उसके बारे में मैं आपको कल ही बताऊँगी कि कल से क्या जर्नी स्टार्ट हो रही है मेरी। फिलहाल तो न्यू ईयर चल रहा है, आज हमारा फर्स्ट डे है। ब्रेड पकौड़ों के साथ हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, ये है नहीं एज यूजुअल। तो हम तो करेंगे पार्टी 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 पार्टी। मिलो क्या करेंगे हम, बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ सर्दी के अंदर। मैंने भी पहनना है, मैं को समझ नहीं आ रही। एक मेरे पास ये है स्वेटर और एक मेरी जैकेट है जिसके साथ इनर ये चलेगी, तो कौन सा अच्छा लगेगा। आई एम कन्फ्यूज्ड, टोटली कन्फ्यूज्ड। अब मिलू भी हो गई है रेडी, एवर रेडी रेडी, मिलू रेडी हो गई है ना। ओह, मिलू किस चीज के लिए रेडी है, जंप लगाने के लिए। अरे जंपिंग। हे गाइस, जैसे आप देख रहे हो अब हम हैं रेडी और अब हम निकल रहे हैं अपने ट्रिप या घूमने या जो भी आप कह लो। मिलू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ये पहले से एक्साइटेड रहती है। मैं इसका डंडा कैरी कर लूँ। लाइट्स ऑफ एंड गो, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं।
तो हम घूम रहे हैं यहाँ पार्क में, मैदान में, पूरा मैदान ही मैदान है रोहिणी की साइड में। बहुत मुश्किल से ये एक जगह मिली हुई है जहाँ मैं लोगों को खुले में लेकर आ सकूँ। हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी कोई पेट कैफ़े वगैरह कुछ नहीं है, तो दिल्ली में रोहिणी मंगोलपुरी के आसपास कोई ऐसा पेट कैफ़े हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा जहाँ इसको कुछ खिला पिला सकूँ, क्योंकि इसको लेके जाने के लिए मुझे पता नहीं कोई बहुत दूर लेके जाना पड़ा था एक बारी। तो ये घूम रही है एंड आई एम हैप्पी, इसको थोड़ा सा स्पेस मिला है क्योंकि दो दिन बाद से फिर मैं भी घर पे नहीं हूँ, मैं भी बाहर रहूँगी, जो जॉब पे रहूँगी, तो इसके साथ होगा नहीं। मैंने कहा न्यू ईयर है, न्यू ईयर इसके साथ मना लिया जाए, उसके बाद तो फिर सारा दिन इसने बाकी लोगों को परेशान करना है घर के अंदर, मेरे को क्या करेगी। पर इसको मेरी बहुत गंदी आदत पड़ चुकी है, बहुत गंदी। हे गाइस, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमें आए हुए, इसकी तो घूमना ख़त्म ही नहीं होगा, ये तो इधर से उधर मिटकती ही रहेगी। और वो अंकल जी भी कब तक मेरा वेट करेंगे, और ठंड भी बढ़ रही है, सूजल को भी ठंड लग रही है, वो एकदम से नहा के आ गया है मेरे साथ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब हम निकलते हैं घर की तरफ, रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं वरना कुछ पार्टी करते हुए जाते हैं, स्पेशली पेट फ्रेंडली कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो अब हम निकलते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे घर पहुँच के या रास्ते में। इसका घर चलने का मन अभी भी नहीं है। चलो घर चले, घर कैसे जाएंगे, घर मिलो, चलो घर चले। हैं, ठंड हो रही है ना, तेरे को ठंड लग जाएगी ना, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। ए कहाँ जा रही है, चलो बस हो गया, अब आज के लिए इतना ही घूमना बहुत है। इसका तो मन नहीं भरने वाला सारा दिन घूम के भी, पता नहीं क्या क्या सुन रही है, क्या क्या सुन रही है। चलो 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 चलो, अंकल जी को भी देर हो रही होगी, चलो आ जाओ, चलो बैठो अंदर। अरे आ गई दोस्ती करने। चलो चलो जा रही हूँ मैं, बाय, मिलो मैं जा रहा हूँ, बाय। पता नहीं क्या देख रही है, इसको भागना है, बस भागना है। और ऐसे में तेरे पापा कह रहे हैं तेरे को खुला छोड़ दूँ, हैं फिर तो पता नहीं कहाँ निकल जाएगी। फाइनली हम लोग तो पहुंच गए हैं घर, इसका अभी तो ये खुजली उजली ख़त्म नहीं हो रही है, अब भी मुझे कह रही है कि मालिश कर, मालिश कर मेरे, मालिश कर। आज तो ऑटो की सीट पे बैठ के आई है ये प्रॉपर, भाई पहले नहीं बैठती थी, पहले नीचे बैठती थी, आज ठंड थी, आज पता नहीं पहले ही सीट पे चढ़ गई ना, तो फिर मैंने इसको उतरने ही नहीं दिया नीचे, और सही भी रहा ये चीज़। और आगे से यही कोशिश करेंगे कि इसको सीट पे बिठाएं, नीचे ठंडा होता है, मैं कुछ ना कुछ ले जाना भूल जाती हूँ हमेशा, कि कुछ बिछा कर इसको बिठा सकूँ। वो तो ऑटो वाले अंकल बहुत अच्छे हैं, तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, इसको खूब प्यार करते हैं। चलिए मैं आपसे अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स हो जाऊँ, चेंज वेंज कर लूँ, कुछ रील्स बना लें। तो गाइस अब मैं पी रही हूँ चाय, मेरी चाय आ गई है, ये नहीं है, ये सुबह का ही कप रखा हुआ है, मौका नहीं मिला, आलस कर गई बाहर ले जाने में। और ये मेरे को इतना दुखी कर रखी है, इतना दुखी कर रखी है जिसकी कोई हद नहीं है। इतना घूम कर आई है, इतना घूम कर आई है, घूमी घूमी करके आयो ना, अभी आयो ना घूमी घूमी करके, चलो ऊपर आ जाओ, मान ही नहीं रही है, मान ही नहीं रही है, बस मालिश करते जाओ, पैरों से करो, हाथों से करो, लगी हुई है, लगी हुई है, और मैं इरिटेट हो गई हूँ लिटरली। ये देख लो, ये देख लो, ये ऐसे ही परेशान कर रही है, ये लाड नहीं दिखा रही है, ये कह रही है कि बस मेरे मालिश करते रहो, कैसे भी करो, या मेरी शिकायत मत करो, है ना। ये यहाँ पर इसकी मालिश शुरू हो गई है ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आदत पड़ गई है हमें भी इसके चक्कर में। और देख लो अब ये आ गया पीछे का हिस्सा, कि अब यहाँ मालिश करो, अब नहीं तो अब घूम के वापस आ जाएगी कि मालिश नहीं की मेरी, पता नहीं क्या ढूंढ रही है। और आज रात का मेन्यू भी डिसाइड हो गया, कोई नहीं है, लेकिन नीचे बच्चे हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, बहुत थोड़ा सा गाजर का हलवा बनाऊंगी, जैसा सूजल के बर्थडे पे बनाया था, 1-2 किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ, और साथ में बना रही हूँ पनीर, मटर पनीर की सब्जी। मेरे लिए काम हो चुका है रेडी,
अभी सामान लेने गए हैं बच्चे, आते ही फिर मैं लग जाऊंगी। तब तक मैंने सोचा जितना टाइम है मेरा हाथ, मैंने बोला था ना घूम घाम के आ जाएगी, ये ऐसी ही है, ये गंदी बच्ची है, ये बहुत गंदी बच्ची है, ये देखो गंदी बच्ची है, ये बहुत गंदी बच्ची है, ये तो गंदी बच्ची है, तो गंदी बच्ची है, मुझे पता है तो गंदी बच्ची है, हट जा तू, गंदी बच्ची है मीलू, बहुत गंदी बच्ची है। और अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, ये गंदी बच्ची है ना इसलिए ऐसे करती है, मैं इसको इसलिए प्यार नहीं करती, गंदा बच्चा है ये, बहुत गंदा बच्चा है, भाग जाए यहां से, हटे यहां से, ये कोई बुरा नहीं मानती है, ये देख लो, एक तो मेरे जुकाम लग गई ये इसके चक्कर में, और ये है ये 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 ना ये 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 लड़की मानने को तैयार नहीं है, देखो वायलेंस, देखो मेरा वायलेंस, देखो देखो वायलेंस, वाकई मैं वायलेंस करूंगी इसके साथ, फ्रेंड्स दूध उबल गया है, गाजर आ गई है, अब गाजर छीलने और कद्दूकस करने का टाइम हो गया है, तो फटाफट फटाफट हम गाजर छीलते हैं, कद्दूकस करते हैं और फिर चढ़ाते हैं, टाइम बहुत हो गया है, सामान आने में और तैयारी करने में टाइम लग गया, दूध मैंने छोड़ लगा दिया है पकने के लिए तब तक, और जब मैं काम करने लगती हूँ ना बाहर तब इसकी नींद आती, तब तब इसको आती है नींद, ये देख गौर से देखो इस लड़की को, इसको नींद तब आती है जब मैं काम करने लगती हूँ, ऐसे तो ये अच्छी बात है कि मैं काम कर रही हूँ ये सो रही है, लेकिन जब मैं थोड़ी देर तसल्ली से बैठती हूँ तब भी तो रेस्ट करने दे, वो नहीं करने देती, चलिए मैं फटाफट और छील लेती हूँ फिर बताती हूँ। लास्ट टाइम से थोड़ी ज़्यादा गाजर है तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस में डालना पड़ेगा। मेरा कुकर भी छोटा है, 3 लीटर का है, पता नहीं इसमें आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए। जब तक ये पानी इसका सूख के ही नीचे होगा, थोड़ा सा भून जाएगा घी में, तब तक हम और कद्दूकस कर लेते हैं गाजर को और फिर डालते हैं। इस गाजर के हलवे के पीछे भी बचपन की मेरी एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है। हमारे घर में हर न्यू ईयर वाले दिन, हर न्यू ईयर के, हर साल न्यू ईयर पे गाजर का हलवा बनता ही बनता था मेरे घर में। मेरे पापा जाते थे, पहले डेयरी से दूध मिलता था, मदर डेयरी ही था तब तो, टोकन वाला दूध, और या तो DMS, मदर डेयरी था नहीं था वो मुझे नहीं पता, पर ये था टोकन वाला दूध आता था, वो लेने जाते थे, मम्मा कद्दूकस करके गाजर घिस के सब कुछ वो रेडी करती थी। एक दिन तो लड़ाई भी हो गई थी पापा की वहाँ पे, बड़ा मज़ा आता था। मिस यू पापा।
हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मेरा खाना बन गया। अभी भी चावल बाकी है और मैं आप लोगों को लुक दिखा देती हूँ। खाना बन गया के नाम से देखो कौन आया। तो आपको मैं एक बार लुक दिखा देती हूँ मेरे हलवे की भी और मेरी सब्जी की। ये रहा मेरा गजरेला और ये रही सब्जी। कैसा लगा गाइस? आयो होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और आज की वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मैं पूरा आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि बीच में कुछ हो गया था, तो आई एम थोड़ा माइंड मेरा डाइवर्ट है। तो मैं बाकी अब करूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बात। तब तक के लिए टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।